हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। इससे पहले हमने उत्पादन फलन में क्या देखा था, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो कि एक अल्पकालीन उत्पादन फलन था, उसके अंदर वो आता था। उसके बाद हमने आइसो पॉइंट, जो समोत्पाद वक्र है, इन सभी के बारे में डिस्कशन पूरा कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब आप सबके लिए, हमारे जो नए बैचेस हैं कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ये 6 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे बैचेस ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन मोड में भी है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने जो अपनी पढ़ाई की है उसमें हमने देखा था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन अपना पूरा कर लिया है, ठीक है। तो ये दो तरह के थे, एक अल्पकालीन, ये उत्पादन फलन है, ठीक है ना। तो हमने दो तरह के फलनों के बारे में चर्चा की, अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था दीर्घकालीन, दोनों में एक फर्क था, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जैसे उत्पादन जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता था, उत्पादन के स्रोत श्रम है, ठीक है, भूमि है, पूंजी है, साहस है और संगठन है, ठीक है। इसमें से साहस, संगठन और भूमि, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। हम लोग लेबर के बारे में, श्रम और पूंजी के बारे में, हमारा मेन फोकस इसी पे रहता है दोनों में, ठीक है। अब अल्पकाल में आप सभी चीजों को तुरंत नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए अल्पकाल में आप इन दोनों में से किसी एक को स्थिर रखते हैं और दूसरे को बढ़ाते हैं। और जो इससे नियम निकल के आता था वो था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंग्लिश में, ठीक है। आप हिंदी में भी नाम याद रखेंगे, इंग्लिश में भी याद रखेंगे, आपको दोनों में इससे आपको आगे चल के बेनिफिट होने वाला है। अब हमारा फोकस है दीर्घकालीन उत्पादन फल, ठीक है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फल में जो चीजें निकल के आती है वो है रिटर्न टू स्केल, ठीक है। रिटर्न टू स्केल मतलब पैमाने का प्रतिफल। तो पहली बात, दीर्घकालीन में जो आपके उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, जो मेन चार है, ये सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। मतलब आप चाहें तो इन सब में ही चेंज कर सकते, क्योंकि आपके पास लंबा समय है, समय काफी है। तो इसमें जो फर्म है वो चाहे तो भूमि बढ़ा ले, श्रम बढ़ा ले, पूंजी बढ़ा ले, ठीक है, इत्यादि करके वो सब में चेंज ला सकता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू से कहा है, हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, श्रम पे और पूंजी पे। श्रम को हम एल से दिखाते हैं और पूंजी को हम जो है वो के से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहली बात, पैमाने का प्रतिफल ये नियम क्या है, ये इसकी परिभाषा क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उत्पादन के सभी साधनों में, आपको यहां गौर करना है, सभी साधनों में समान अनुपात में, ये बहुत जरूरी है, समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर हम श्रम में 10% का चेंज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो आपको कैपिटल जो है, पूंजी भी है, 10% ही घटाना या बढ़ाना है। अगर हमने श्रम को 25% से बढ़ाया या घटाया, तो आपको पूंजी को भी 25% से घटाना या बढ़ाना है। क्लियर है ये चीज? ऐसा नहीं कि श्रम को आप 25% से बढ़ा दें और इसे बढ़ा दें 50%, तब ये नहीं कहलाएगा पैमाने के प्रतिफल। तो ये हमारा एक मेन चीज है, ठीक है। अब इस पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती,
अब हमने सिर्फ ये दो को क्यों रखा है? क्योंकि हमने शुरू से कहा है हमारा जो मेन फोकस होता है वो श्रम पे और पूंजी पे ही होता है। अब पैमाने के प्रतिफल की तीन अवस्थाएं होती है। पहला बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, ठीक है। अभी क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। इसकी जो दूसरी अवस्था है वो कहलाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और जिसकी तीसरी अवस्था है वो कहलाती है पैमाने के घटते प्रतिफल, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। क्लियर? तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनका एक ग्राफ बनाएंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इसे एक पहले एक तालिका से एक टेबल से देखते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा कुछ रखा है, ये श्रम और पूंजी हमने इधर रखा, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उत्पादन है हम इधर रख रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा जो है 10 श्रम और 10 पूंजी लगा के, श्रम मतलब 10 लेबर लगा के, पूंजी आप यहां 10 हम लोग मान रहे हैं, 10,000, 20 मतलब 50,000, 10 लाख कुछ भी आप ले सकते हैं ये समझने के लिए सपोज, ठीक है। 10 श्रम और 10 पूंजी लगा के जो फर्म है वो उत्पादन कर लेती थी 100 यूनिट का, 100 किसी उत्पाद के ये 100 इकाइयां बना लेती थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, श्रम को भी बढ़ाया, तो क्योंकि हम लोग पैमाने के प्रतिफल देख रहे हैं, तो जितना को श्रम जितना श्रम बढ़ाएंगे उतना ही हम पूंजी भी बढ़ाएंगे, ठीक है। कितना बढ़ाया हमने, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी दोगुना कर दिया। अब हमने देखा कि हमने श्रम और पूंजी को तो दोगुना कर दिया, लेकिन जो है उत्पादन है ये दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब लगाया कम और मिला ज्यादा, मतलब यहां पे प्रतिफल कैसा है आपका, यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। नाउ कंपनी को और ज्यादा प्रोडक्शन, फॉर्म को जो है और ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत थी, उन्होंने फिर बढ़ा दिया इसे, तो हम अपनी आसानी के लिए इसे डबल डबल ही कर रहे हैं सो दैट हमको समझने में आसानी हो, 20 से 40 कर दिया और पूंजी को भी 20 से 40 कर दिया। अब जो उत्पादन है इस बार 300 से बढ़ के 600 हो गया। नाउ आप एक चीज देख सकते हैं, यहां 10 से जब 20 किया गया था, डबल किया गया था, तो 100 से 300 हो गया था, मतलब दोगुना से भी ज्यादा, दोगुना कितना होता 200, लेकिन ये तो 300 हो गया था, तो इसे हम लोग बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। लेकिन यहां पे क्या है, हमने डबल तो किया लेकिन उसके हिसाब से उत्पादन भी डबल हुआ, डबल से ज्यादा नहीं हुआ, जितना बढ़ाया श्रम और पूंजी उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ गया, इसे बोलते हैं आप स्थिर प्रतिफल की अवस्था, मतलब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इसके बाद फर्दर हमने श्रम को भी 80 कर दिया और इसे भी 80 कर दिया, लेकिन इस बार जो उत्पादन है वो सिर्फ 800 का हुआ, तो आप देख रहे हैं ना इसे कितना का होना चाहिए था, अगर स्थिर प्रतिफल होता तो 1200 का, और बढ़ते प्रतिफल में 1200 से भी ज्यादा, लेकिन ये तो हुआ 800, मतलब अब जो है ना वो घट रहा है, जो उत्पादन है वो घट रहा है, इसे आप बोलेंगे घटते प्रतिफल की अवस्था, क्या बोलेंगे, घटते प्रतिफल की अवस्था। ये आपका IRS हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये CRS हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और ये DRS हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? तो मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब पिछले क्लास में हमने समोत्पाद देखा था आइसोक्वांट, अब उसका यहां यूज होने वाला है समोत्पाद वक्र का। अब हमने एक ये ग्राफ बनाया है उसे समझने के लिए।
अब इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसके वाई एक्सिस पे हमने रखा है पूंजी और एक्स एक्सिस पे रखा है श्रम, ठीक है। अब देखिए, इनिशियली हम इसी एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं जो हमारा टेबल में ही है। श्रम कितना था? 10। पूंजी कितनी थी? 10। तो हमें उत्पादन कितना मिला? ये 100। तो ये आइसोक्वांट है, समोत्पाद वक्र, आप जानते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हमने नाम दिया पी। समोत्पाद में क्या था? इसके सारे बिंदुओं पे उत्पादन की मात्रा 100 ही है। हमने श्रम को बढ़ाया 10 से 20, दो गुना, पूंजी को भी दो गुना कर दिया। उत्पादन कितना हो गया? ये नया आइसोक्वांट आ गया, जो कि आ गया 300। अब ये 300 आ गया, इसका मतलब क्या है? हमने लगाया तो श्रम तो बढ़ाया था डबल और पूंजी भी बढ़ाया था डबल, लेकिन क्या हो गया? ये उत्पादन जो है ये 300 हो गया, मतलब डबल से ज्यादा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने श्रम और पूंजी में डबल बढ़ोतरी की है, लेकिन जो उत्पादन है ये जो है ये डबल से भी ज्यादा बढ़ गया। इसे बोलेंगे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, ठीक है। अब अगली बार हमने 20 से 40 किया, क्या? श्रम, और अकॉर्डिंगली हमने पूंजी भी 20 से 40 बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा जो उत्पादन है एक नए स्तर पे पहुंच गया, वो है 300 से 600। तो आप देखेंगे कि हमने बढ़ोतरी तो डबल की थी, दोगुना, लेकिन आपको उत्पादन इस बार दोगुना से ज्यादा देखने को नहीं मिला, वो ठीक दोगुना ही हुआ। तो जितना बढ़ाया उतना ही उत्पादन में बढ़ोतरी मिली। इसे बोलेंगे स्थिर प्रतिफल की अवस्था, जो सेकेंड वाला है। जो तीसरा जो है, हमने 40 से 80 कर दिया, ये भी डबल कर रहे हैं, 40 से 80 डबल कर रहे हैं, पूंजी भी डबल, लेकिन इस बार जो है ना ये सिर्फ आपको 200 को बढ़ोतरी देखने को मिली, 800 वाला, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये गैप जो है ओ से लेके पी का, ठीक है, और पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, ये पहली बार में ये कम है, अगली बार में ये बराबर है इसके, और लास्ट वाले में जो घटते प्रतिफल की अवस्था है, आर से एस की दूरी सबसे ज्यादा है। तो ये जो ग्राफ है ये पैमाने के प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को दिखा रही है। ये जो ग्राफ है ये पैमाने के प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को हम लोग एक साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब बढ़ता हुआ प्रतिफल कहां से कहां तक? P से Q तक ये बढ़ता हुआ प्रतिफल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। Q से R तक जो है ये क्या हो गया आपका? ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और R से S तक जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, स्थिर प्रतिफल की अवस्था और घटते प्रतिफल की अवस्था। क्लियर है ये चीज? अब कभी कभी क्या होगा ना, आप इसी को ना तीनों अवस्थाओं को, क्या क्या अवस्थाएं हैं? पहला है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरा है स्थिर प्रतिफल की अवस्था और तीसरा है घटते प्रतिफल की अवस्था। इन तीनों के उत्पादन वक्र को आप दिखाना चाहते हैं। देखिए वो बड़ा सिंपल है, आप जब ये बनाएंगे, अब देखिए आपको ग्राफ पेपर में तो आप बना सकते हैं, एकेडमिक्स में आपने बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेप को याद रखना है। इधर जो है ये पूंजी प्लस श्रम एक्स एक्सिस में, और वाई में जो है आप रखेंगे उत्पादन को, आउटपुट, ठीक है ना। अब बढ़ते प्रतिफल अवस्था में जब ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा है, ऐसे बढ़ेगा और ये वाई एक्सिस की तरफ मुड़ा होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ग्राफ आपको रीड करना आता हो, जो हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया है, ग्राफ रीड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे जैसे पूंजी और श्रम बढ़ा रहे हैं, उसके अनुपात में उत्पादन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम स्थिर प्रतिफल की बात करें तो यहां जो होगा, अब जिस अनुपात में श्रम और पूंजी को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में जो है आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो मतलब ये 45 डिग्री का कोण बना के रखेगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा, सीधी रेखा, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ श्रम है और ये पूंजी, तीनों में ही रहने वाला है, नहीं भी लिखे तो आप समझ जाएंगे ये वो है, ठीक है। ये कुछ नाम रख लीजिए डी डी, ठीक। तो ये जो है क्या दिखा रहा है कि जिस हिसाब से आप श्रम और पूंजी को बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आपको उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। घटते प्रतिफल की अवस्था में क्या होगी?
आप श्रम और पूंजी को बढ़ाएंगे तो ज्यादा, लेकिन आपको उत्पादन में कम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये श्रम और पूंजी है और ये जो है आपका उत्पादन है। क्लियर? तो आपको ये वाला ग्राफ, ठीक है, जो तीनों अवस्थाओं को एक साथ दिखा रही है, हमने एक एग्जाम्पल के लिए टेबल लिया था, और ये जो उत्पादन के साथ दिखा रहा है, इनको अच्छे से समझ लेना है और याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पैमाने के प्रतिफल के बारे में, बढ़ता हुआ, स्थिर और घटता। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, सो दैट जो नीडी हैं उन्हें भी इसका फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।